नमस्कार, सुनैना मौर्य के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं मीठे में खीर। अब इसमें थोड़ा सा नीचे पानी डाल देंगे जिससे दूध खीर बनाते समय लगे ना। फिर इसमें आधा लीटर दूध डाल देंगे। ये 4 से 5 लोगों के लिए खीर कंप्लीट तैयार हो जाएगी। दूध को गर्म होने देंगे। फिर इसमें लगने वाली सामग्री अब हम यूज करेंगे भिगोया हुआ थोड़ा चावल और उसके मेजरमेंट के हिसाब से 20 ग्राम चावल, 4 से 5 बादाम की कलियां और स्वाद के लिए 2 इलायची डालेंगे। जब तक हमारा दूध उबलता है तब तक हम इस बादाम को काट लेते हैं। हमने बादाम कट करके रख दिया है और अब दूध भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें इलायची 4 भागों में कट करके, नहीं ये तोड़ने वाला था, इसको कट करके भी डाल सकते। इसमें कि ये इसमें उसको भी हम डाल देंगे साथ में। तो इससे क्या होगा, जो भिगोया हुआ चावल है आपका वो जल्दी गल जाएगा और जो ये सूखा हुआ चावल है इसे भी मैंने वॉश कर रखा है, अब इसमें डाल देंगे, अच्छे से चला देंगे। अब ये पकने लगेगा, 20 कम से कम 10 से 20 मिनट लगेगा इसको पकने में। ये लोग क्या करते हैं कि जब खीर बना रहे होते हैं तभी उसमें, मतलब जैसे ही पकना शुरू होता है गैस गर्म ही, मतलब गैस जल रही होती है तभी उसमें चीनी डाल देते हैं। उससे क्या होता है, चीनी से वो दूध फट जाता है, तो चीनी अलग मतलब दूध अलग और खीर अलग होने लगती है, तो उसका कोई भी फ्लेवर नहीं आता है। इसलिए जब आप कभी भी जब खीर बनाएं तो गैस को ऑफ करें, थोड़ा सा रुके, उसके बाद उसमें चीनी डालें, उसके बाद मिला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तब आपकी खीर देखिएगा कितना अच्छा खाने में स्वाद बनेगा। चलिए अब देखते हैं, उसकी खीर बनके कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि खीर बनके तैयार हो चुका है। अब गैस को बंद करने में 2 मिनट हो चुका है। चीनी डालेंगे, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। काट कर डाला था वो डाल देंगे, और भी आप बहुत सी चीज़ इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट में, वो सभी चीज़ में डाल सकते हैं इसके अंदर। अब हमने देखा कि हमारी गरम गरम खीर तैयार हो गई है। अब इस बाउल में सर्व करते हैं। तो चलिए अब इसे हमने बाउल में डाल लिया है और बादाम से गार्निश कर लिया है। अब इसको आप खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, खाके बताइए कि आपको खाने में कैसा लगा। अब आपको हमारी खीर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा।